सब्सक्राइब करें इंडियन हॉर्सेस चैनल को, बेल बटन का आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं उल्लव सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस और आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं हरपुर सेमीफाइनल राउंड वन की वीडियो। और आपको बताते चल रहे हैं कि इस राउंड में सवार रंबानी, सवार विकास, सवार शैलेश और सवार टिगुरी जो लड्डन खां पे विशेष रूप से घोड़े पे बैठे थे, सारे लोग इस ग्रुप में फाइट कर रहे हैं प्रथम और सेकंड रैंक के लिए, जो कि फाइनल राउंड में अपना जगह बना पाएंगे। बात करें इस रेस की तो फाइनल की वीडियो आपको कल शाम तक मिलेगी और उससे पहले आप चेक करते रहिएगा चैनल पे, क्योंकि सारी वीडियोस लाइन बाय लाइन आने वाली हैं और लास्ट में फाइनल की वीडियो बन के आपको शाम को ज़रूर मिलेगी। और यहाँ भी रेस में रैंकिंग को लेकर काफ़ी इधर उधर हुआ है और वो भी पूरी तरह से कमेटी के द्वारा। और इस रेस में भी निर्णायकों के द्वारा और कमेटी के द्वारा काफ़ी उलट फेर हुई है रैंकिंग को लेकर। सबसे खास बात थी कि यहाँ से चार से पांच घोड़े, मैं कहूँ तो सिंधी चलने वाले घोड़े यहाँ पे पहुँचे थे जो इस रेस में पार्टिसिपेट किए। अभी तक मेरे देखने में सबसे ज़्यादा इस रेस में सिंधी घोड़े पहुँचे, नहीं तो मेरे देखने में अभी तक इतने ज़्यादा संख्या में सिंधी चलने वाले घोड़े किसी रेस में भाग नहीं लिए थे। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए रंबानी अभी आगे चल रहे हैं, पीछे से शैलेश हैं और तीसरे चौथे नंबर पे विकास हैं, सबसे पीछे लड्डन खा के घोड़े पे टिगुरी हैं। तो इस राउंड में किसे किसे स्थान दिया गया, इसमें दिया गया स्थान रंबानी को पहला और दूसरा स्थान लड्डन खा जिसपे सवार थे टिगुरी, उनको दो स्थान मिले और शैलेश और उनके साथ एक जो घोड़ा दौड़ रहा है उसको और विकास को फाउल छाट दिया गया। अब मैं आपको अभी स्लो मोशन में दिखाने वाला हूं और आप देखिए कि कौन सा घोड़ा फाउल है और कौन सा घोड़ा फाउल नहीं है। अभी जो घोड़े आ रहे हैं अभी मैं इनको स्लो मोशन में करता हूं। घोड़ा कोई खास उस रफ्तार में नहीं दौड़ा जहां पे ये फाउल छटता है, छलांग इसने शुरू में ज़रूर लगाई है वंश नारायण यादव के घोड़े ने। तो चलिए ठीक है, कमेटी के देखने में ये घोड़ा फाउल दौड़ा, उस कमेटी ने इसे फाउल छाट दिया और रंबानी को प्रथम स्थान दे दिया। पर जो चौथे नंबर पे इस राउंड में घोड़ा दौड़ रहा है, लाल टी शर्ट जिस सवार ने पहना है वो सवार विकास हैं और उनका घोड़ा आप पूरी राउंड में देख लीजिए, वो घोड़ा तो फाउल नहीं ही दौड़ा है और उस घोड़े को भी फाउल करके और पीछे से लड्डन खां के घोड़े को इसमें सेकेंड स्थान दिया गया। ये कहाँ से कमेटी का निर्णय कितना अच्छा है ये आप खुद समझ सकते हैं। आखिर कमेटी ने ऐसा क्यों किया कि किसी लास्ट वाले घोड़े को आप सेकंड कर दें और उसके आगे वाला घोड़ा जो अच्छा चल रहा है उसे भी आप फाउल छाट दें। ये तो सीधे तौर पे जाती हुई किसी के भी साथ जो आपके यहाँ रेस लड़ने आए हैं, तो हरपुर का यही हाल है। और आप काफ़ी उलट फेर हुई है, आपको फाइनल के राउंड में मैं दिखाने वाला हूँ कि क्या हुआ है, तो उसकी वीडियो आपको कल मिलेगी। और जो ये शोर शराबा हुआ उसकी आप वीडियो देख लीजिए। पागल हो गए होगा, काहे ले जाए जब है आया। अच्छा पांच साल थे हम लोग सोने नहीं आवे, तू चुप।